हेलो एवरीवन, मानो या ना मानो ये वीडियो आपको एक नंबर दिला सकता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आज आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये वीडियो इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए है। तो आज से मैंने एयरफोर्स का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है और अब बेहतरीन तरीका से मैंने डिस्कस किया। ये वीडियो देखने के बाद सवाल जवाब बनाना, और नहीं बनेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है वहां पे आप भेज सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, ये आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। हम सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, एग्जामिनेशन में स्कोर कैसे उठाना उसके बारे में बात करेंगे। हमें ये नहीं डीप में समझना आर्टिकल्स होता क्या है, दिस एंड डैट, ला ब्ला ब्ला चीज़ें नहीं पढ़ना। आज का वीडियो आप पढ़ने के बाद आप सीधे क्वेश्चंस बनाना, नहीं बनेगा तो आप मेरे ऊपर सीधे सवाल करना, सर आप गलत पढ़ा रहे हो या कुछ भी, वट एवर, ठीक है। तो देखो आर्टिकल्स होता क्या है, अभी थोड़े देर में हम चर्चा करेंगे। पहले आप समझ लो आर्टिकल्स को दो भाग में बांट दिया गया, एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स और एक डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे ए और एन के बारे में, और डेफिनिट आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे द के बारे में, ठीक है। तो पहले छोटा सा इंफॉर्मेशन दे, तो आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स देखो, किसी भी वर्ड यानी कि नाउन के आगे आकर उसका ना पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देता है, उसको डिटरमिनर्स बना देता है, या तो आप कह सकते हो उसको बना देता है एडजेक्टिव। अभी आपको समझना है ही नहीं है कि बताओ कि एडजेक्टिव कैसे हुआ, डिटरमिनर्स कैसे हुआ, बिल्कुल नहीं। हम सवाल पे जाते हैं, आपका एग्जामिनर कैसे सवाल देता है। देखो एक सवाल सिंपल सा एक ऐसे दे देगा, आई हैव, ऐसे लिख देगा यहां पे आवर, और यहां पे आपको फील करना ए एन या द। तो बेसिकली आप कैसे फील करोगे ए या एन। तो बहुत बच्चे इसमें सही कर रहे हैं, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। हम जनरली देखो समझते क्या है कि आर्टिकल्स ए एन द कैसे हम समझेंगे, कहां पे क्या भरना है। देखो तो ये आर्टिकल अगर ए एन की बात करें हम, तो ये ए एन रियलिटी में इसको हम साउंड के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साउंड के आधार पे बटेंगे। दोनों का मीनिंग सेम है। आप देखो बचपन में आप नाउन पढ़े होंगे और आपने सीखा होगा एक होता है काउंटेबल नाउन, राइट, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। सी से काउंटेबल नाउन, यू से अनकाउंटेबल नाउन। जैसे काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे मैं, पेन, बुक, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे मैं, क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है और शुगर हो सकता है, ये चीज़ें है ना जिसको नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल नाउन, और ये है भी द सिंगुलर काउंटेबल, ए एन हम हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाते, याद रखना। कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, है ना, काउंटेबल नाउन से पहले, जी ठीक है जी। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कभी भी प्लूरल रहे तो ए एन का कुछ मतलब ही नहीं है। आप अगर लिख रहे हो, सपोज पेंस लिख रहे हो, सपोज क्या लिख रहे हो, पेंस लिख रहे हो, तो आप पहले ही बता दे रहे हो एक से अधिक, तो यहाँ पे ए और एन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब भी लगाना है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, समझ में आ गया। अब कैसे हम लगाएंगे, तो साउंड के आधार पर लगाएंगे। क्यों, देखो वीडियो बनाने में मेहनत काफ़ी लगता है, टाइम आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप टाइम निकाल के देख रहे हो, और टाइम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जरा सा भी समझ में आता है, या फिर आपको लगता है आज के वीडियो पढ़ने के बाद आप सीधे क्वेश्चन लगाना इंडियन एयरफोर्स एनडीए का, अगर नहीं सॉल्व हो तो फिर बोलना, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करना अगर आपको पसंद आए तो। देखो साउंड के आधार पर एन और ए को हम बांटते हैं, यूज़ करना सीखते हैं सेंटेंस में। एन कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपका कोई भी वॉवेल हो जिसका इनिशियल लेटर, इनिशियल लेटर का मतलब होता है शुरुआती लेटर, अगर वॉवेल साउंड क्रिएट करे, कैसा साउंड क्रिएट करे, वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड कौन कौन होता है आपको पता है, एस सी एन सिंगुलर काउंटेबल नॉन का वॉवेल साउंड क्रिएट करे, ए ई आई ओ यू। घबराना नहीं है, थोड़ा ठहर के जाओ और फिर देखो। और अगर इनिशियल लेटर वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट, क्या, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करे, तो आप
को, जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या क्या होता है, बी सी डी एफ लब चीजें। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करे तो हम ए लगाएंगे, वॉवेल साउंड क्रिएट करे तो एन लगाएंगे। अब देखो यहां पे मैंने लिखा आवर, आई हैव एन आवर, तो बताना यहां पे एच का साउंड हो ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये लेटर बचपन में खेलते थे ना, कि अगर वोवेल आगे आ जाए लेटर में तो हम एन लगाते। गलत बात, ऐसे नहीं होता है। जैसे मेरे पास कई एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास लिखा रहे होटेल, एच ओ टी एल, होटेल का तो स्पेलिंग आपको पता है ना, तो यहाँ पे ए लगाएंगे, होटेल ह का आवाज निकल रहा है ना। अगर यहाँ पे लिखा रहे ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, तो आप क्या लगाओगे, तो ऑनरेबल, यहां पे भी ए आई ओ यू, ऑनरेबल मैन है ना, तो यहां पे भी एन लगाएंगे, बिकॉज यहां पे आपको कॉन्सोनेंट ओ ऑनरेबल, समझ रहे हो ना, वॉबल साउंड क्रिएट हो रहा है। इसमें से पांच लेटर में से कोई भी साउंड क्रिएट हो तो हम एन लगाते हैं, ठीक है। चलो और भी कोई पोस्ट हो, जैसे एल एल बी, आपको पता नहीं लॉ का पोस्ट है, तो एल आपने बोला एल, तो ये ए आवाज आ रहा है, इसलिए हम एन एल एल बी कहेंगे, ना कि ए एल एल बी, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होता है, एस एच ओ हो, एस एच ओ हो, तो यहाँ पे भी हमने एस बोला, तो यहाँ पे ए आवाज पहले निकल रहा है, इसलिए एन एस एच ओ कहेंगे, है ना। आपको कॉन्सोनेंट लेटर रहते भर में भी एन लग रहा है, बिकॉज साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वॉबल लेटर का, इसको आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपको वॉबल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर को फाइंड आउट करने का, उसके बाद देन चूज करना है कि हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यूज कर बता रहे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। देखो आपने सुना है किसी वर्ब के साथ आर्टिकल यूज करना, जैसे प्ले है तो ए प्ले बोल देना, है ना। अब ड्रिंक है तो अ ड्रिंक बोल देना। तो वर्ब के आगे हम कैसे लगाते हैं, कभी कभी वर्ब के आगे आपको लगा हुआ रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसी कंफ्यूजन को ध्यान में रखते हुए हम एक चीज समझा रहे हैं आपको। देखो लिखना ये है, जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, यहां पे मैंने लिखा वी, सॉरी वी वेंट फॉर अ वॉक। अब वॉक का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये वर्ब है, लेकिन अभी तो बताया सर कि आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगाते, यहाँ पे ए क्यों लगा दिया आर्टिकल, ये तो गलत होना चाहिए। तो बहुत ही एक प्यारा लाइन में लिख रहा हूं कि वेन वर्ब इज यूज्ड एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कैसे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल ऑन। अगर हम वर्ब को एज ए नॉन यूज करते हैं, एज ए नॉन यूज करते हैं, तब मुझे आर्टिकल लगाना ही होगा, सिंगुलर काउंटेबल नॉन, तो हमें आर्टिकल लगाना होगा वी यूज ए या एन, ये ध्यान रखना। वी वेंट, और आप ये भी चीज पढ़े होगे, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर नॉन आइडेंटिफिकेशन नहीं सीखो तो मैं बता दूं नॉन क्या होता है। बेसिकली अगर कभी भी सेंटेंस में अगर व्हाट का रिप्लाई मिलता है आपको, किस चीज का, व्हाट का, हु का या हुम का, तो ये नाउन होते हैं बच्चे, नाउन होते हैं। जैसे वी वेंट फॉर ए वॉक, वी वेंट फॉर व्हाट, हम लोग कहाँ गए थे, वी वेंट फॉर व्हाट, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है ये, किस चीज का रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, और व्हाट का रिप्लाई देने वाला अपने आप में क्या होता है, नाउन। तो एज ए, हालांकि रियल में ये वर्ब है लेकिन एज ए नॉन यूज कर रहे हैं, क्या, नॉन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल, हालांकि ये वर्ब है लेकिन ये नॉन कब बना, जब हम आर्टिकल यूज करें, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस, वी वेंट फॉर वॉकिंग, और आप सभी को पता है कि वर्ब में आई एन जी लगा देते तो ये भी तो नॉन कहलाता है, जिसे हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं, है ना, टेक्निकली इसका नाम हम जेरंड दे देते हैं, ठीक है। तो देखो वी वेंट फॉर ए वॉक, ये भी नॉन था, हमने ये भी नॉन कर दिया, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, आई वॉन्ट अ ड्रिंक, आई वॉन्ट अ ड्रिंक। अब आपको पता है कि ड्रिंक का मतलब पीना होता है, ये वर्ब है, फिर भी आपने ए आर्टिकल यूज किया, क्यों, क्योंकि यहां एज ए नॉन यूज किया।
आपको बस ध्यान रखना है कि W है तो W से A नहीं, आवाज देखो साउंड, आपको बस साउंड पे ध्यान देना है कि वॉक हो रहा है तो A लगा दे, ड्रिंक हो रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो A लगा दे, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। और एक सेंटेंस हम लिख सकते हैं, आप देखो ये कॉमन सा सेंटेंस है, आप कई बार बोलते आए हो बचपन में, डोंट टेल, अब तो लाई यूज करते हैं, लाई का मतलब होता है क्या, लायर, लाई झूठ बोलना, तो हमने ए लगाते हैं जानबूझकर और इसे क्या बनाते हैं, नॉन बनाते हैं, और नॉन बनाने के लिए हमें वर्ब से पहले आर्टिकल यूज करना, तो इसलिए लिख दिए हैं व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज ए सिंगुलर काउंटेबल नॉन वी यूज ए एन बिफोर, क्लियर हो तो बताना, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है, थैंक यू सो मच बच्चे, ये आर्टिकल्स यहां तक क्लियर हो गया। अब बचा हुआ द का आर्टिकल्स, डेली वीडियो दो अपलोड होंगे, रीजनिंग का और इंग्लिश का, मैथ्स का मिलाकर, लेकिन डेली दो वीडियो होगा। आज मैंने ए और एन का हमने सिखाया है आपको कि कहाँ पे यूज़ करेंगे, कल दा का यूज़ करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लगा के देखना क्वेश्चंस बनेगा, कोई भी डाउट है तो इसी के तरह आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और व्हाट्सअप ग्रुप भी आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट देकर फीडबैक ज़रूर देना, थैंक यू वंस अगेन।